हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है उनके लिए लेके आ रखा हूँ, जो भी उनका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को देखना है, और इन क्वेश्चन में से आपके जो हैं क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 20-20 नंबर के, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो 16 क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे 10-10 नंबर के, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ आपके लिए वो लेके आ रखा हूँ 26 क्वेश्चन। और जो ये बुक का कोड है दोस्तों, ये है आपका BAHL 202 हिंदी का, और पद्य साहित्य सेकंड एवं लोक साहित्य आपका बुक का नाम है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हैं बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले आपको जो है BAHL 201 का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस, उसकी वीडियो देखने को मिली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके भी आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक हिंदी पद्य की प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, आषाढ़ी वीणा कविता की काव्य संवेदना पर विचार करते हुए अज्ञेय की काव्य कला को बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केदारनाथ सिंह की कविताओं में आए बिंब विधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोक साहित्य का वर्गीकरण करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली लोक साहित्य के क्रमिक विकास को स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर सविस्तार टिप्पणी लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ब्रह्म राक्षस कविता के आधार पर मुक्तिबोध के काव्य शिल्प पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, आषाढ़ी वीणा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक गीत से क्या अभिप्राय है, विषय के आधार पर कुमाऊनी लोक गीतों का वर्गीकरण कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 10वां, गढ़वाली लोक का गाथाओं की संवेदना एवं शिल्प पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों, ये हैं आपके 10 क्वेश्चन जो 20-20 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इनको देखिएगा एक बार, और उसके बाद जो है आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं 16 क्वेश्चन, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रिपीट हो सकते हैं आपके 10-10 नंबर के। तो आपको ये वीडियो देखनी है इंड तक, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की काव्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, आधुनिक पद के काल विभाजन व नामकरण पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्क नहीं पड़ता कविता की मूल संवेदना तथा वैष्टि को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा का जीवन परिचय लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी लोक साहित्य का वर्गीकरण कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य तथा परिनिशिष्ट साहित्य का आशय समझाते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली लोकगीतों की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, फावड़ा तथा जागर का परिचय देते हुए उनकी गायन पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्तिबोध की कविता में प्रयुक्त पैंटसी शिल्प की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा के व्यक्तिगत कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह की काव्य कला पर विचार कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक साहित्य और परिनिशिष्ट साहित्य के अंतर को स्पष्ट करें। फिर 13 क्वेश्चन है आपका, पावड़ा और जागर
लोकवार्ता क्या है? फिर 14 है आपका कुमाऊनी लोक गाथाओं की विशेषता बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन पद का संक्षिप्त परिचय दें। और फिर है आपका लास्ट क्वेश्चन गढ़वाली लोकगीतों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी सेकेंड बुक के 26 क्वेश्चन। इन 26 क्वेश्चन में से दोस्तों आपके 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे एग्ज़ाम में। तो अगर 5 क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं तो आपके जो है 50 नंबर कंफर्म हो सकते हैं यहाँ से, अगर आप ये क्वेश्चंस को जो है एक बार पढ़ते हैं इन टॉपिक के बारे में तो। और दोस्तों इससे पहले भी जो है मैंने जो आपकी फर्स्ट बुक है उसकी वीडियो डाली हुई है, तो लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट बनेगी इस वीडियो के एंड में, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी जो है हम कल लाइव आने वाले हैं, तो आप लाइव वीडियो भी देख सकते हैं और वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जब कभी भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो उस टाइम जो है आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।